दुनिया को ना, या तो सपने के साइज से एतराज होता है या देखने वाले के साइज से। किसी का वजन थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, इसका पसंद या नापसंद किए जाने से क्या लेना देना, लेकिन मसला ये है कि मोटापे को बस शारीरिक सुंदरता से जोड़कर देखा जाता रहा है। इस चक्कर में कभी आदमी निराश हो जाता है तो कभी क्रांति करने लगता है। One large nugget, new dip, chocolate pancake waffle, banana milkshake, strawberry milkshake, whipped cream on mine. कुल मिलाकर मोटापे को लेकर जो चिंता होती है उसका कनेक्शन पर्सनालिटी से होता है, जबकि जरूरी है कि इसे बीमारी के तौर पर देखा जाए। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया मोटापे की बीमारी का सामना कर रही है और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो हालात महामारी जैसे हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि मोटापे को लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। पहले आपको बताते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट आखिर क्या कहती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे का शिकार हो सकती है। लगभग 51% लोगों का वजन उनकी उम्र की तुलना में ज्यादा हो सकता है। चिंता की बात यह है कि बच्चों और युवाओं में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है, यानी 2020 की तुलना में 2035 में बच्चे और युवाओं में मोटापा दोगुना हो जाएगा। फिलहाल दुनिया की 38% आबादी मोटापे की शिकार है। लेकिन जो रफ्तार है उसे देखते हुए दुनिया की आधी आबादी के सामने मोटापा संकट बनकर खड़ा होगा। अगर समय रहते इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो जाहिर है भारत को भी इसके परिणाम दुनिया समेत भुगतने पड़ सकते हैं। यानी मोटापा हंसी मजाक की बात नहीं है, बल्कि इसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। उन्होंने आपकी पिक्चर्स देख के कहा मोटी। आपको बता दें कि मोटापा यानी ओबेसिटी एक मेडिकल शब्द है जो बताता है कि किसी आदमी के शरीर में फैट की मात्रा ज्यादा है। इसका आकलन बॉडी मास इंडेक्स की मदद से होता है। मुश्किल ये है कि ओबेसिटी को लोग हल्के में लेते हैं, जबकि इसकी वजह से हार्ट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है और ये कैंसर की वजह भी बन सकता है। यानी जितना ज्यादा ओबेसिटी होगी उतनी ही खतरनाक बीमारियों की आशंका बढ़ेगी। यही वजह है कि वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने दुनिया भर की सरकारों और पॉलिसी बनाने वालों को इसे लेकर चेतावनी दी है। डॉक्टर्स लगातार आगाह कर रहे हैं कि मोटापा बढ़ने की बड़ी वजह प्रोसेस्ड फूड है। बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का जो क्रेज लोगों में और खासतौर से बच्चों में है वो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ खानपान की समस्या है तो दूसरी तरफ एक्सरसाइज या वर्कआउट की कमी है। बेहिसाब खाना और बेतरतीब लाइफस्टाइल से लोगों में मोटापा बढ़ता जा रहा है। ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि बच्चे और युवा इसकी चपेट में ज्यादा है, यानी जिन पर भविष्य का दारोमदार है वही मोटापा और मोटापे से होने वाली बीमारियों के निशाने पर है। रिपोर्ट बताती है कि मोटापे में सबसे ज्यादा वृद्धि वाले 10 देश एशिया और अफ्रीका से हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते मोटापे को लेकर हम सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।